अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। दिति की आज्ञा पाकर पातालवासी उद्धर और विरजा प्रस्थान करते हैं। कश्यप, अदिति और महोत्कट को नारद दैत्य माता के षड्यंत्र की सूचना देते हैं। श्री गणेश के वियोग से दुखी देवी पार्वती को महादेव कैलाश लौटा लाने में सफल हुए। उधर कार्तिकेय के वाहन मयूर ने श्री गणेश को महोत्कट रूप में अदिति आश्रम में देखा। श्री गणेश, आप यहाँ ऋषि बालक के वेशभूषा में? धन्य धन्य भाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। श्री गणेशाय नमः। देवी अदिति, महोत्कट को हमारा पुत्र बनाकर परम देव श्री महागणेश ने हम पर महान कृपा की है। महोत्कट ने मेरे मातृत्व को कितना अधिक सुख पहुंचाया है स्वामी। ये यकायक आपको क्या हो गया स्वामी? देवी अदिति, तुम्हारे मातृत्व को सुख पहुंचाने के लिए क्या श्री गणेश ने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मातृत्व को दुख नहीं पहुंचाया होगा? नहीं नहीं स्वामी, श्री गणेश तो मंगल करता है, उनके कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंच सकता। हर एक को आनंदित और प्रसन्न करने वाले श्री गणेश भला अपनी माता गौरी को दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ देवी अदिति, प्रथम पूज्य श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके कैलाश में न रहने से मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अत्यंत दुखी हैं। जानते हैं श्री गणेश, मेरे स्वामी ने आपके वियोग से दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया है। मुझसे स्वामी का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती सहित शिवगण और उनके परिवार भी आपके न रहने से दुखी और विचलित हैं। बड़े भैया कार्तिकेय के अन्न जल त्यागने का ज्ञान है मुझे, इसी कारण मैं स्वयं व्यग्र हूँ। हे श्री गणेश, मेरे स्वामी कहते हैं कि आप दुख हरता है, कैलाश पर सभी दुखी हैं। आप सबके दुखों का अंत करें और मुझ पर आरूढ़ होकर कैलाश चलें। मैंने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं शीघ्र ही कैलाश लौट कर आऊंगा। तुम्हारे आने के पीछे माँ गणेश की इच्छा प्रमुख है। माता अदिति को दिए गए वचन का पालन करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। इसी रूप में और मयूरेश्वर रूप धारण करके मुझे भैया कार्तिके और शिव परिवार का दुख दूर करना होगा। जो कुछ भी करना है श्री गणेश, वो अति शीघ्र करें। ओम नमः शिवाय।
आज्ञा मयूरेश्वर। दोनों माताओं के मातृत्व को केवल तुम ही संतुष्ट और सुखी कर सकते हो। अब धन्य है श्री महागणेश। मुझे आश्वासन देकर अदृश्य हो जाने वाली विरजा उद्धत उद्धर शीघ्र उपस्थित हो। मैं कहती हूँ शीघ्र उपस्थित हो। मेरी पुकार की उपेक्षा तुम्हारे प्राणों पर संकट उत्पन्न कर देगी। शीघ्र उपस्थित हो। पातालवासी देवांतक और नरांतक प्रकट हो। तुम्हारे सेवकों ने मेरे साथ छल करने का दुस्साहस किया है। प्रकट हो। अब तुम्हें दैत्य माता दीति के आदेश पर स्वयं को यहाँ प्रकट करना होगा। यहाँ प्रकट हो। दैत्य माता दीति, तुम व्यर्थी ब्रह्मा से प्राप्त किए हुए वरदान और दिव्य दैत्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो। आओ दैत्य शत्रु शुक्राचार्य, लंबे समय पश्चात तुम्हें देखा। क्या आजकल तुमने दैत्य शत्रु देवताओं से साठ गांठ करके दैत्य जाति को निर्बल एवं कायर बनाने का कार्य प्रारंभ किया है? क्यों? अपनी सीमा लांघने का प्रयास न करें दैत्य माता। मैं प्रयास भी ना करूं और तुम परम वीर दैत्य जाति को देवताओं के संकेत पर निर्बल व कायर बनाकर सीमा लांघते रहो, क्यों? दैत्य माता, आप हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शुक्राचार्य। तुम्हारे ही कारण पातालवासी देवांतक और नरांतक ने मेरी पुकार की उपेक्षा की है। यह सत्य है कि मैंने ही देवांतक और नरांतक को पृथ्वीलोक न आने के लिए सावधान किया था। आप कितने भी प्रयास कर लें, किंतु ये दोनों इस समय पृथ्वीलोक कदापि नहीं आएंगे। शुक्राचार्य, तुम्हें मेरी इच्छा के विरुद्ध पातालवासी देवांतक और नरांतक को पाताल में रोके रखने का तनिक भी अधिकार नहीं है। तुम अपने दैत्य गुरुपद का अनुचित प्रयोग करके दैत्य माता दिति के साथ टकराने की भयानक भूल कर रहे हो। सावधान शुक्राचार्य, दैत्य जाति तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। हमें किसी की क्षमा की आवश्यकता भी नहीं है दैत्य माता, किंतु ये परम सत्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दैत्य जाति के उत्थान, उत्कर्ष और उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, जबकि आप ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला से धधकती हुई सदा दैत्य जाति का अहित करती आई हैं। शुक्राचार्य, ऊंचे स्वर में बोलना मुझे भी आता है दैत्य माता। आप ही के कारण आपका पुत्र तारकासुर कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। मैंने आपको बार बार सावधान किया, किंतु आपने मेरी एक न सुनी। सदा मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे अपमानित किया। दिल का ही ताड़ बनता है शुक्राचार्य, तुमने अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य किया होगा। आप पुनः मेरा अपमान कर रही हैं दैत्य माता। क्योंकि इस समय भी तुम अपना अपमान करवाने योग्य ही कार्य कर रहे हो। मेरे आदेश की सीमा में आकर तुमने भयानक भूल की है। मेरा हृदय प्रतिशोध की भयानक ज्वाला में जल रहा है। आपका प्रतिशोध कभी भी थमता नहीं है ना दैत्य माता, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दैत्य जाति की दुर्दशा पर प्रसन्न तो आप ही हो सकते हैं दैत्य शत्रु शुक्राचार्य। ये आप किस दुर्दशा की बात कर रही हैं दैत्य माता? इस समय तो तारकासुर के पुत्रों के कारण दैत्य जाति अपनी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई है। तारक पुत्रों ने अपनी सफलता के बल पर
स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली त्रिपुरों का निर्माण किया है। दैत्य जाति की सफलता का एकमात्र शिखर स्वर्ग विजय है। आप सत्य क्यों नहीं कहती दैत्य माता? क्या आपकी पुत्र वधु वरांगी आपकी पौत्र वधु शांबुकी के त्रिपुरे में चली गई है? इसके कारण आपके अहंकार को ठेस पहुंची है और इसी कारण आप देवांतक और नरांतक को पुकार रही थी। दैत्य माता को अपमानित कर त्रिपुर में रहने वाली शांबुकी एवं वरांगी को दंडित प्रताड़ित एवं अपमानित करना दैत्य जाति का कर्तव्य है। दैत्य जाति के कर्तव्यों की मनमानी परिभाषा न करें आप दैत्य माता। आपका प्रयास कदापि सफल नहीं होगा। उचित तो यही होगा कि आप भी अपनी पुत्र वधु और पौत्र वधु के समान त्रिपुर चली जाएं और वहां के अनुपम सुख का भोग करें। मुझे कहां जाना है और कहां नहीं ये मैं भली भांति जानती हूं। मुझे तुम परामर्श मत दो, तुम्हारी बातों से दुष्ट देवताओं की गंध आ रही है। दैत्य माता, यदि आप अपना और अधिक अपमान करवाने की इच्छुक नहीं है तो मेरा परामर्श मानकर तारकासुर के पुत्रों के पास चली जाएं। नहीं, जब तक मैं दुष्ट अदिति को अपने हाथों से दंडित ना कर दूं, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पातालवासी देवांतक और नरांतक के सेवक अभी तक उनका पता लगाकर क्यों नहीं आए? दैत्य माता, तुम तीनों इस प्रकार मस्तक झुकाए मेरे सम्मुख क्यों खड़े हो? बताओ, उस दुष्ट अदिति को ढूंढते ढूंढते तुम्हारी वाणी पर वज्रपात हो गया है क्या? अथवा उस इंद्र ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस किया है? तुम तीनों बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो, कहाँ है मेरी सौत दुष्ट अदिति? क्षमा करें दैत्य माता, हमने पृथ्वीलोक का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु आपकी सौत और वो पाखंडी कश्यप हमें कहीं नहीं मिले। उन्हें पृथ्वी लील गई या आकाश? शुक्राचार्य, तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से बताना होगा कि वो दुष्ट अदिति एवं पाखंडी कश्यप कहाँ हैं? क्षमा करें दैत्य माता, आपके प्रतिशोध में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सहायता तो तुम्हें करनी ही होगी। दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। तुम्हें दैत्य जाति की सौगंध है, तुम्हें अपने आराध्य शिव की सौगंध है। बताएं, कहां है वो दुष्टा? सोच विचार में हमारा समय नष्ट ना करो शुक्राचार्य, शीघ्र बताओ दुष्टा अदिति और पाखंडी कश्यप कहां है? मुझे क्षमा करें भोलेनाथ, आपकी सौगंध के कारण ही मैं दैत्य माता दीति के प्रतिशोध में उनकी सहायता कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित वन प्रदेश में आपको आपके पति के दर्शन अवश्य होंगे। ओम नमः शिवाय। मुझे उस दुष्ट अदिति को दंडित करने के लिए कैलाश की उत्तरी दिशा में जाना ही होगा, उस पाखंडी कश्यप को यहाँ खींच कर लाना ही होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, क्या हम आपकी उदासी का कारण जान सकते हैं? सब कुछ जानकर भी इस प्रश्न का क्या कारण है स्वामी? देवी पार्वती, पुत्र गणेश के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र ही आपका उनसे मिलन होने वाला है। मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश की जय। 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 मयूरेश्वर अवतारी श्री गणेश।
पिताश्री, प्रणाम माताश्री। प्रणाम बड़े भैया। भैया कार्तिके, तुम्हारे वाहन मयूर ने मेरे मयूरेश्वर अवतार को सार्थकता प्रदान की है। मयूरेश्वर गणेश, इस संसार में जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे कैलाश से दूर जाने के पश्चात ही मुझे तुमसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। बड़े भैया, अपने वचन की जिस मर्यादा के कारण मैं कैलाश छोड़कर गया था, उसकी रक्षा तो मैंने कर ली, किंतु अपने चित को संतुष्ट न रख सका। आपके बिना एक क्षण भी मेरा मन माता अदिति के आश्रम में नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ भैया कि प्रेम और वियोग की जो अग्नि मुझे पीड़ित कर रही थी वह तुम तक भी अवश्य पहुँच रही होगी। अब सभी दुखों का अंत हुआ। माता अदिति के पुत्र के रूप में महोत्कट और माता पार्वती को नए पुत्र के रूप में यह मयूरेश्वर अवतार श्री महागणेश की इच्छा से ही पूर्ण हुआ। पुत्र गणेश, तुम चाहे कितने भी अवतार धारण कर लो, तुम सदा मेरे लिए गजानन गणेश ही रहोगे। माता, आपके ही कारण तो मेरा गजानन गणेश रूप सार्थक हुआ है। गौरी पुत्र के उस रूप की सार्थकता को सारा संसार स्वीकार करेगा। मेरा हर अवतार गजानन गणेश के रूप में ही पूर्ण होगा। अब अपनी चतुराई और न दिखाओ गणेश, मुझे वचन दो कि तुम कैलाश छोड़कर अब कभी नहीं जाओगे। हाँ गणेश, माता को वचन दो। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। वचन दे श्री गणेश, वचन दे। मैं वचन देता हूँ। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर श्री गणेश की जय।